नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। हम बचपन से ही अपने बड़ों से हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाने के लिए कहते और सुनते आ रहे हैं। पता चला है कि वो उस समय सही थे। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषण संबंधी विशेषताएं होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभों से जुड़ी होती हैं। अपने आहार में हरी सब्जियों को शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है। इसके अलावा इन सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम होती है और आहार फाइबर से भरपूर होती है। आज हम पालक और मेथी के बीच पोषण संबंधी समस्या पर करीब से नजर डालेंगे कि दोनों में कौन सी हरी पत्तेदार सब्जी ज्यादा हेल्दी है। पालक। पालक को पोषण के मामले में सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। इसे सुपर फूड भी कहते हैं। पालक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च सामग्री होती है, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव और क्षति को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट कैंसर की रोकथाम में भी मदद करता है और आँखों के स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। इसमें विभिन्न विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ए, के, सी और K11। इसमें आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। मेथी। मेथी में कैलोरी की मात्रा कम होती है। लगभग एक कप मेथी आपको केवल 13 कैलोरी देती है। यह एक बेहतरीन आहार भोजन विकल्प है। मेथी विटामिन सी से भरपूर होती है, जो एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी शरीर को सामान्य बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। काप्स। काप के सेवन की बात करें तो मेथी के पत्तों का सेवन ज्यादा फायदेमंद होता है। 100 ग्राम मेथी के पत्तों में 2.9 ग्राम काप्स होते हैं, जबकि इतनी मात्रा में पालक के पत्तों में केवल 6 ग्राम काप्स होते हैं। प्रोटीन। 100 ग्राम पालक के पत्तों में 2 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम मेथी में प्रोटीन की मात्रा 4 ग्राम। वसा। 100 ग्राम पालक में 0.7 ग्राम, मेथी में 0.9 ग्राम। वैसे तो ये दोनों हरी पत्तेदार सब्जियां पोषण मूल्य में उच्च और एक समृद्ध पोषण प्रोफाइल के साथ आती हैं। दोनों ही एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए असंख्य लाभ प्रदान करने और विभिन्न पुरानी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा किसी को इन सब्जियों का सेवन सीजनल और ताजा ही करना फायदेमंद होता है।